नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि जिस तरीका से जो कि धर्मगुरु घर में आते हैं और उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये फूल की माला क्यों चढ़ा रखी है इसके फोटो पर, यानी कि करण की फ़ोटो पर, क्योंकि करण अभी जिंदा है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही गुरु जी घर में प्रवेश करते हैं और करण के फ़ोटो पर माला देख कर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं, जिसके बाद में वो माला हटा देते हैं, जिसके बाद में ऋषभ पूछता हुआ नज़र आएगा कि गुरु जी ये कोई और नहीं, ये मेरा भाई है और ये इस समय जो कि हमारे बीच में नहीं रहा, जिसके बाद में वो बोलते हुए नजर आएंगे कि ये तुम कौन कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये इस दुनिया में ही है, ये जिंदा है, ये कहीं नहीं गया बल्कि इसी दुनिया में है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अर्जुन ही करण का रूप लेकर फिर से वापसी कर रहा है और जैसे ही अर्जुन को वापसी होश आता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद में जैसे ही होश आता है तुरंत ही उसका पहला शब्द होता है करण के लिए और वो बोलता हुआ नजर आता है कि करण जो बोलता हुआ नजर आता है वो प्रीता का नाम लेता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर से अर्जुन के रूप में करण की वापसी होने जा रही है प्रीता के जीवन में। और जैसे ही प्रीता घरवाले गुरु जी के मुँह से सुनेंगे कि करण जिंदा है तो सभी को वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, लेकिन प्रीता काफ़ी अफसोस में रहने वाली हैं, क्योंकि प्रीता इस समय अफसोस में है कि अगर करण जिंदा है तो फिर वो आया क्यों नहीं, क्योंकि घर में कैसी कैसी परिस्थिति आई थी, कितने मोड़ आए थे। लेकिन दोस्तों, अब 5 साल के बाद में जब ये राज खुल ही रहा है तो आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर से करण की मैन फाइट जो होने जा रही है, यानी कि करण का भेस में अर्जुन जो है इस समय, अर्जुन जो मैन चीज टकराएगा वो लूथर परिवार को बर्बाद करना चाहता है। वो ये नहीं पता किसी को भी कि अर्जुन कोई और नहीं बल्कि ये करण ही है। साथ ही दोस्तों, अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस।